हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने उस केस के बारे में बात करूंगा जिसमें कस्टमर के ऊपर ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था और कस्टमर को हद से ज्यादा रिकवरी एजेंसी वालों ने परेशान कर दिया था। उसका एक तरीके से खून पी लिया था, जीना हराम कर दिया था उसका। उसके घर पर आ रहे थे, उसके ऑफिस में आ रहे थे, उसको हर जगह ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे और उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एक कस्टमर का ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए में सेटलमेंट करवाया। कस्टमर थक चुका था हरासमेंट से, उसने रिकवरी एजेंसी वालों से भी ट्राई किया, रिकवरी जो लोकल सेटलमेंट एजेंसी वालों तो उनसे भी ट्राई किया कि सेटलमेंट करवा सके, बट लोकल सेटलमेंट एजेंसी वालों का इतना ज़्यादा बजट होता था कि कस्टमर की पॉकेट से बाहर चला जाता था। सो उसके बाद कस्टमर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमने उसका सेटलमेंट विद इन 3 मंथ्स करवा दिया। तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कस्टमर के साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे और वो अब आउटस्टैंडिंग नहीं दे पा रहा था। उसकी जॉब चली गई थी और पर्सनली वो जॉब नहीं कर पा रहा था किसी रीज़न की वजह से। तो दोस्तों, जब क्रेडिट कार्ड वालों का हद से ज़्यादा परेशान करना उसको स्टार्ट हुआ, उसके समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे बचे इस सिचुएशन से, तो सबसे पहले दोस्तों उसने आसपास के लोकल जो सेटलमेंट एजेंसी होती है उनसे बात करने की कोशिश की और सेटलमेंट एजेंसी वालों ने उसको यही बोला कि उनका 1 टाइम फीस एटलीस्ट 22,000-25,000 रुपीज़ 1 टाइम उनको चार्ज लगेगा और जो भी वो लोन वैल्यू का आपका अमाउंट सेटल कराते हैं, जितना आपका वैल्यू कम करवाते हैं, उसका एटलीस्ट 10-20% उनको और चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, जो कैलकुलेशन बैटरी थी कस्टमर के साथ वो ऐसी बैटरी थी कि उसको हर हाल में कस्टमर को जो सेटलमेंट एजेंसी वालों को देना पड़ रहा था वो 50,000-60,000 रुपये उनको कम से कम देना पड़ रहा था मिनिमम, और उसमें भी वो जो उसकी गारंटी जो सेटलमेंट एजेंसी वाले थे उसको गारंटी नहीं दे रहे थे कि हम आपका इतने तयशुदा अमाउंट में सेटलमेंट एटलीस्ट करवा ही देंगे। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे बचे, क्योंकि इसका हरासमेंट लगातार जारी था। दोस्तों, उस कस्टमर ने हमसे संपर्क किया, मुझे अपनी पूरी रिपोर्ट शेयर करी, मैंने उसकी पूरी केस स्टडी करी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आमतौर पर हम लोग नॉर्मली नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जो रिकवरी एजेंसी वाले होते हैं और वो जो कस्टमर का हरासमेंट कर रहे होते हैं, वो कस्टमर का हरासमेंट इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बैंक का पैसा चाहिए होता है। रिकवरी एजेंसी वाले जो उनके जो बैंक के कस्टमर का हरासमेंट कर रहे होते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही इंटेंशन होता है कि उनको किसी भी तरीके से ऊपर की कमाई कस्टमर से खाने का मौका मिल जाए, किसी भी तरीके से अंडर द टेबल पेमेंट वो कस्टमर से लूट सकें, कस्टमर से पैसे ले सकें, और इसी बहाने कस्टमर को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं वो लोग और वो पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। और जो रिकवरी एजेंसी का जो काम देख रही होती है एजेंसी, वो लोग भी वहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग मिली सबकी मिली भगत होती है, बैंक के मैनेजर से लेके जो बैंक का प्यून तक है सबका सेटलमेंट एजेंसी के साथ मिली भगत होता है कि इनका इतने में सेटलमेंट कराना है तो मेरा शेयर उसमें इतना बनेगा, तेरा शेयर उसमें इतना बनेगा। ये दोस्तों आज मैं आपको 1 बाय 1 प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमने जो रिकवरी एजेंसी जिसके पास उस कस्टमर का केस गया था उसके एजेंट से बात करी हमने, और क्योंकि दोस्तों हम इस फील्ड में हैं तो हमें पता है कैसे बात करनी है, किन किन तरीकों से बात करनी है। तो हमने उससे रिकवरी एजेंट जो था उससे बात करी, उससे उसका वैल्यू कोशिश करी जानने की और हमने उसको एक सेटलमेंट अमाउंट में डिसाइड कर दिया। तो क्योंकि दोस्तों ये काम ऐसा होता है कि इसमें इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी पैसा पहले लेते हैं, आपका काम बाद में करते हैं। और दोस्तों, क्योंकि 5 लाख के कार्ड का सेटलमेंट करना था तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट था, जिसको कि ऑन पेपर जो आपने देखा है कि 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कैसे मैंने 40,000 रुपये में कराया है, ये आप खुद देखेंगे अभी 1 बाय 1। तो दोस्तों, हमने रिकवरी एजेंट के बंदे से बात करी, हमने उसको बोला कि हम इतना पेमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको इतना ही कर पाएंगे। रिकवरी एजेंसी वाले से बात करी, उसको समझाया, उसके सिचुएशन दी, उसको अपनी सारी रिपोर्ट सारी डिटेल्स बताई, वेरीफाई करवाई, उसने वेरीफाई करी। जब उसको ये चीज़ पता चल गई कि हाँ हमारा केस बिल्कुल जेन्युइन है, उसने इंस्टेंट पैसा मांगा कस्टमर से। मैंने कस्टमर को पहले ही बोला हुआ था कि आप अपने अकाउंट में कुछ ही पैसा रखना, 1,000-2,000-4,000 रुपये, ज़्यादा मत रखना।
और कस्टमर ने एजेंट को बोला कि जी मेरे पास इतना ही पैसा अवेलेबल है, आप चाहे तो बैंक रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसने कस्टमर ने अपना बैंक रिकॉर्ड सेम टाइम पे उसको फॉरवर्ड कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया। तो क्योंकि उसके अकाउंट में उस टाइम ऑलमोस्ट 4,000 रुपए थे, तो उसने कुछ पैसा एजेंट रिकवरी एजेंट को भरोसे के तौर पर तुरंत दे दिया। और कस्टमर का जो केस ऑलमोस्ट छह महीने से ज्यादा टाइम से पेंडिंग चला आ रहा था, रिकवरी एजेंसी वाले बंदे से सेटिंग करी, उसने मैनेजर से सेटिंग करी, उसने अपनी कीमत बताई, रिकवरी एजेंट ने अपनी कीमत बताई, और सारी बातें आपस में शेयर की गई कस्टमर के साथ। उसने हमसे बात करी, हमने कस्टमर को बताया कि इतना अमाउंट आपका टोटल चार्ज करेगा। और दोस्तों जब सारी बातें फाइनल हो गई, हमने रिकवरी एजेंट को ऊपर से एडवांस दे दिया, उसके नेक्स्ट डे ही बैंक की तरफ से, रिकवरी एजेंसी की तरफ से कस्टमर को सेटलमेंट लेटर इशू हो गया। और दोस्तों जानते हैं सेटलमेंट लेटर कितने का इशू हुआ? सेटलमेंट लेटर इशू हुआ सिर्फ 40,000 रुपीज का, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और कस्टमर से जो रिकवरी एजेंसी वाले बंदे ने पैसे लिए थे, कैन यू बिलीव, कस्टमर से रिकवरी एजेंसी वाले ने 60,000 रुपए लिए थे। मतलब कि बैंक की नजर में तो उस लोन का सेटलमेंट जो 5,00,000 रुपए करीब आउटस्टैंडिंग था, 40,000 में किया बैंक ने, बैंक को ये दिखाया गया, लेकिन एक्चुअली में उस सेटलमेंट की कीमत 1,00,000 रुपए थी। तो दोस्तों ये पूरा मायाजाल चल रहा होता है रिकवरी एजेंसी वालों का, बैंक वालों का, जो कि आपस में मिलीभगत होती है। ये लोग रिकवरी एजेंसी वाले इसी चक्कर में परेशान करते हैं कस्टमरों की कि जितना हद से हद पैसा लूट सकें लूट लें, बस उनका यही मोटो होता है। सेटलमेंट तो बात की बात है दोस्तों, उन्हें अपनी जेब गर्म करनी होती है, असल कहानी यही होती है। तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं सेटलमेंट को लेके कि कैसे सेटलमेंट करवाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कॉल कैसे करना है वो प्रोसेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप मुझे उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, और चाहे तो आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।